गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बात हो गई थी, आज हम उसी के आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। सो टुडेज टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए, पहले हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और फिर इससे हमें क्या क्या डिटेल्स निकालने को दिया जा सकता है। इसको थोड़ा छोटा रखना होगा। ओके, सो देखिए, आपको हम थ्योरी पार्ट एक्सप्लेन करें, उससे पहले देखिए फोटो इलेक्ट्रिक एक्चुअली होता क्या है। देखिए, जब किसी मेटल पर, ये कोई एक मेटल का सरफेस है, राइट, जब इस मेटल के सरफेस पे बाहर से कोई एक लाइट आती है, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए बल्ब लिए हैं, तो बल्ब से लाइट आई, यहाँ पर इसको स्ट्राइक किया, कोई भी एक मटेरियल का सरफेस है तो कहीं ना कहीं आके वो स्ट्राइक करेगी। हाँ, जब वो यहाँ से स्ट्राइक करती है, ये जो लाइट है फोटोन, ये जब यहाँ पे आके स्ट्राइक करता है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इस इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम फोटो इलेक्ट्रॉन। क्यों फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस फोटोन। ये लाइट है, लाइट के पैकेट को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। एक फोटोन आके जब यहाँ स्ट्राइक करेगा तो उससे एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। कई बार ऐसा भी होगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकले। हाँ, जैसे कि अभी मैं इसको उठाना चाहता हूँ तो मैंने उठा लिया। अब मान लीजिए कोई एकदम छोटा सा बच्चा है, अभी 4 महीने या 6 महीने का, क्या वो बच्चे इसको उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा ना। लेकिन अगर कोई उठाता भी है तो एक बार में एक ही उठाएगा। कुछ ऐसा ही है, ये जो लाइट आ रही है फोटोन, इसके दो कंडीशन हो सकती है। हो सकती है इसके पास इतनी एनर्जी हो कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, या ये भी हो सकता है कि इसकी एनर्जी इतनी कम हो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकल पाए। पहली बात, हम वो केस डिस्कस करेंगे जब यहाँ से लाइट आएगी और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। जो इलेक्ट्रॉन निकला वो फोटोन की वजह से निकला, इसलिए हम इस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। बात समझ में आ गई? अब एक चीज़ हमें पता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज नेगेटिवली चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हमेशा किधर जाती है? कैथोड की तरफ, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद मूव करेगी और किधर जाएगी? कैथोड की तरफ। लेकिन अब निकलने के बाद भी दो बातें हो सकती है। निकलने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास इतनी एनर्जी हो कि वो खुद यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँच जाए, हो सकता है। आपके माइंड में ये भी चला कि सर हो सकता है कि इसके पास निकलने के बाद इतनी एनर्जी ना हो कि यहाँ से चलकर वो यहाँ तक पहुँच सके, और मुझे पता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा तभी करंट का फ्लो स्टार्ट होता है। 10th में आपने सीख रखा है, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड में हो तो करंट का फ्लो इस साइड में होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा एनोड से कैथोड होता है, जबकि करंट का फ्लो हमेशा कैथोड से एनोड होता है। क्लियर है? यानी कि यहाँ पे इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुँचना होगा। एक ये खुद से पहुँच जाए, हो सकता है इसके पास एनर्जी ना हो। अगर ये खुद से पहुँच गया तब तो अच्छी बात है, अगर ये खुद से नहीं पहुँच पाएगा तो उसी लिए हम यहाँ पे बैटरी लगा रखे हैं। आप देखेंगे अपने सर्किट पे एक बैटरी लगा के रखी गई है, वो इसीलिए है क्योंकि हो सकता है यहाँ से निकलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते आते अपनी एनर्जी फिनिश हो जाए इसकी, और वो यहाँ तक पहुँच ही ना पाए। क्योंकि मुझे इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है तो फिर हम क्या करें, यूज करेंगे अपनी बैटरी। अगर ये बीच में रुकना भी चाहे तो ये बैटरी इसको पुश करेगी और उसको यहाँ तक लेके जाएगी। बात समझ में आई कि बैटरी क्यों लगाया हमने? अब चीज़, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन हो यहाँ पहुँच गया, ऐसे दूसरी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगी वो भी यहाँ पहुँचेगी, यानी कि लगातार फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे और यहाँ पर पहुँच रहे होंगे। यानी हम क्या कह सकते हैं, देयर इज द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड। लगातार फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ तक आ रहे होंगे।
क्लियर है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ तक आ रहे हैं तो क्या हो रहा होगा, यस इसमें करंट फ्लो होने लगी होगी जो कि कैथोड से एनोड की तरफ। ये जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में किसकी वजह से हो रहा है, इस बैटरी की वजह से या फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से? राइट, फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से। और फोटो इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से आया, फोटोन की वजह से। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा हम उसे क्या कहेंगे, फोटो करंट। क्या कहेंगे हम, फोटो करंट। फोटो करंट क्यों कहा हमने, क्योंकि ये जो भी करंट का फ्लो हो रहा है दैट इज हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ दिस पैकेट ऑफ लाइट विच इज नोन एज फोटोन। अब ये तो हमें तीन चीजें बता चुका, पहला लाइट आएगी फोटोन के फॉर्म में यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उस इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दूसरी चीज, ये बैटरी इसलिए लगाई गई है निकलने वाला इलेक्ट्रॉन हो सकता है उसकी एनर्जी इतनी हो कि वो खुद यहाँ तक पहुँच जाए, ये भी हो सकता है वो खुद ना पहुँचे। अगर वो खुद से नहीं पहुँच पाएगा तो ये बैटरी उसको हेल्प करेगी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए। जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा तो फिर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो स्टार्ट होगा, और जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी उसे हम फोटो करंट कहते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है, ध्यान से देखिएगा, ये जो पूरा प्रोसेस है लाइट के पैकेट यानी फोटोन का मेटल पे स्ट्राइक करना, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं उसका निकलना, फोटो इलेक्ट्रॉन का एनोड से कैथोड तक पहुँचना, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करना, इस पूरे प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। एक बार फिर से, क्या हो रहा है, बाहर से एक लाइट की पैकेट आ रही है जिसको हम फोटोन कहते हैं, मेटल पे टकराएगी। मेटल्स क्यों लिया हमने, क्या हम यहाँ पर नॉन मेटल्स ले सकते हैं, नहीं। मेटल्स कौन होते हैं, यस दोज एलिमेंट्स विच हैव द ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स दे आर नोन एज मेटल्स। जो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर सकते हैं, जब वो स्ट्राइक करेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उस इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ये फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचेगा या तो अपनी मर्जी से या तो बैटरी की वजह से। यहाँ पहुँचने के बाद करंट फ्लो होने लगेगा, उस करंट को हम फोटो करंट कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। अब आइए आपको थ्योरी पार्ट समझा देते हैं, अभी आपको समझ में आ गए होंगे एक्चुअली चल क्या रहा है यहाँ पर। क्लियर है, देखिए इन 1887 हेनरिच रोडोल्फ हर्ट्ज, नाम आपने सुना ही होगा, परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्व दैट व्हेन अ बीम ऑफ लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ, हाँ जो बीम ऑफ लाइट लेंगे आप या फिर पास कराई जाती है उसकी एक पर्टिकुलर फिक्स वेवलेंथ होनी चाहिए, होती भी है, हर एक वेव की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है और उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, और फ्रिक्वेंसी इज अलाउड टू फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ ए मेटल सच एज सीजियम पोटेशियम एंड रूबीडियम। ये कुछ मेटल्स के नाम दिए गए हैं, उन्होंने जब इन मेटल्स के ऊपर बीम ऑफ लाइट को लेके आए, उनको स्ट्राइक कराया तो उनको क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, इजेक्ट का मतलब बाहर निकलना, हाँ ये केमिस्ट्री का नया टर्म है आपको ध्यान रखेंगे हमेशा आपके काम आता रहेगा, इजेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मेटल एज शोन इन द फिगर। जैसा फिगर में दिखाया गया वैसे जब उन्होंने सीजियम पोटेशियम रूबीडियम ऐसे मेटल्स लिया उन्होंने और उसके ऊपर बीम ऑफ लाइट को स्ट्राइक कराया तो उन्होंने देखा कि इस मेटल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था, एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, और उस इलेक्ट्रॉन को उन्होंने क्या कहा, यस फोटो इलेक्ट्रॉन, और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा था उन्होंने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस फेनोमिनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही पूरा प्रोसेस जिसमें कि बीम ऑफ लाइट का स्ट्राइक करना, मेटल से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने क्या कहा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा। द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकली उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट फ्लो हुआ उसको उन्होंने फोटो करंट कहा। क्लियर है, अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। द करंट विच फ्लोज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट। जो फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से
सर्किट में करंट फ्लो हुई उसे आप फोटो करंट कह सकते हैं या फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब देखिए वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, एक बात तो तय है कि दोनों का मतलब सेम है, चाहे आप उसको वर्क फंक्शन पाई कहिए या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहिए, बात एक ही है। बात समझ में आ गई। कई बार थ्रेशोल्ड एनर्जी का सिंबल आपको ई नॉट देखने को मिलेगा, इसे हम क्या पढ़ेंगे, ई नॉट। क्लियर है? चलिए अब वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है ये उसको हम पहले समझते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो लाइट है एक पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल करता है, यानी कि हमने मान लिया है यहाँ पे लाइट का एक पैकेट आ रहा है जिसका फोटोन नाम है, राइट। इस पैकेट में कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, हाँ ये चीज़ आपने पिछले लेक्चर में सीख रखा था, वो एनर्जी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, वेरी गुड, इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। अभी आपके माइंड में चल रहा होगा सर एन कहाँ है, अभी आप बताइए हम एक फोटोन की बात कर रहे हैं, हाँ तो एक फोटोन के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, या फिर अगर आप इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्डा लिख भी लें, क्योंकि फोटोन का नंबर एक है तो एन की जगह पे वन लिखेंगे और वन लिख देंगे तो वैल्यू वही मिल जाएगी, इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा मिलेगी ना। इसका मतलब एक बात तो आपको बहुत क्लियर है कि ये जो फोटोन आ रही है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, बिल्कुल सही बात है। जब ये फोटोन आके यहाँ स्ट्राइक करेगा ये कौन सा नेचर शो करेगा, पार्टिकल नेचर, और अपनी एनर्जी यहाँ पर ट्रांसमिट करेगा। अब इसकी जो भी एनर्जी रही हो, जाहिर सी बात है फोटोन की कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी, ये एनर्जी दो जगह काम में आएगी। पहला, ये इस यहाँ पर स्ट्राइक करके यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी, जाहिर सी बात है अगर हम इसको उठा सकते हैं तो जब भी हम उठाएंगे तो मुझे कुछ एनर्जी इसमें लगाना पड़ेगा, कुछ ऐसे ही है। जब ये फोटोन यहाँ स्ट्राइक करेगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा जिसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी, कम से कम जितनी एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को ही हम वर्क फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? वर्क फंक्शन या फाई कहते हैं। फाई, इस सिंबल को हम क्या बोलेंगे, फाई। इसका मतलब था वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी फोटोन की जो मिनिमम एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालने के लिए, उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, या उसी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। अब दो बातें होंगी, मान लीजिए मेरे पास लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, ऐसे आर्बिट्री वैल्यू है, अब बस रैंडमली मान लीजिए, और यहां से हर एक मेटल का, अच्छा हर एक मेटल का इलेक्ट्रॉन कंडेंसिंग कैपेसिटी सेम होता है या अलग अलग? अलग अलग होगा। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, कुछ ऐसे भी होंगे जिनका कम होगा, तो ये मेटल पे भी डिपेंड करेगा वर्क फंक्शन की वैल्यू। हर एक मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, यानी कि सोडियम मेटल का वर्क फंक्शन अलग होगा, पोटेशियम का अलग होगा, रुबिडियम का अलग होगा, सीजियम का अलग होगा, और फ्रांसियम का भी अलग होगा। अब ध्यान से देखिए, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, यहाँ टकराया, तो ये जो मान लीजिए हमने मेटल लिया है, इसका वर्क फंक्शन की वैल्यू आती है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि यहाँ से इस मेटल से एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, तो यही इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है या वर्क फंक्शन होगी। किसी भी मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसी एनर्जी को हम वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? अब बात समझिए ध्यान से, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, यहाँ से स्ट्राइक किया तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका खत्म हो गया, इस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ बाहर निकालने में। क्या अभी और भी एनर्जी बची होगी? हाँ, कितना, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो एनर्जी कहाँ काम आएगी, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि बचा था वो इसको आगे की तरफ लेके जाएगा, किधर, कैथोड की तरफ, और वो किस फॉर्म में लेके जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स पजेस सम काइंड ऑफ एनर्जी,
एंड दैट काइंड ऑफ एनर्जी नोन एज काइनेटिक एनर्जी। जितनी भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं सब एक टाइप की एनर्जी पोजेस करती है, उसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला आपको पता होगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। हाँ नहीं पता है तो याद रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। यानी कि मुझे एक चीज़ और अच्छे से क्लियर हो गई, पहली बात ये जो फोटोन आ रहा होगा इसकी एनर्जी दो जगह बटेगी, पहली एनर्जी कहाँ जाएगी, फाई, यानी कि वर्क फंक्शन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में। अगर निकालने के बाद भी एनर्जी बच गया तो वो एनर्जी कहाँ काम आएगी, इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वो डोनेट करेगी, यानी कि फिर वो इस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलेगा उसको एनोड की तरफ, सॉरी एनोड से कैथोड की तरफ ले जाने के काम में आएगी। यानी कि एक बात तो पूरा क्लियर है मुझे कि जो भी लाइट की एनर्जी होगी वो दो पार्ट में बटेगी, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, दूसरा इसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। अभी जो हमें समझना था वो ये था कि थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन क्या होता है, समझ में आया, इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मेटल। किसी भी मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसी एनर्जी को हम वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। कोई दिक्कत है नहीं, चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्क फंक्शन फाई इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेटल। हाँ हर एक मेटल की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, यानी कि सोडियम की वर्क फंक्शन अलग आएगी, पोटेशियम का अलग, रूबिडियम का अलग, सीजियम का अलग और फ्रांसियम का अलग, ऐसे अलग अलग मेटल्स की वर्क फंक्शन की वैल्यू भी अलग अलग होती है। यानी कि सोडियम मेटल और रूबिडियम मेटल में अगर आपको देखना है कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा तो वो उस किस पर डिपेंड करेगा, वर्क फंक्शन की वैल्यू पे। वर्क फंक्शन क्या होता है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से समझिएगा एक चीज़ और, ये जो लाइट आ रही है, मान लीजिए जो लाइट आपकी आ रही है उसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो मेटल आपने लिया है इस मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, तो क्या इस केस में पॉसिबल है कि यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा या नहीं। हाँ एकदम कन्फर्म है कि इस केस में यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम से कम 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, कम से कम, जबकि जो लाइट इस पर आके टकराएगी जो अपनी एनर्जी इसको देगी उसके पास सिर्फ कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उस केस में कभी भी आपका फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होगा। तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन याद रखना होगा, एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन तभी बाहर निकलेगा जब एनर्जी की वैल्यू या तो वर्क फंक्शन से बड़ी हो या तो वर्क फंक्शन के इक्वल हो। यानी कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है तो आने वाले लाइट की एनर्जी अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो भी काम चलेगा, 10 चाहिए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, जाने के लिए फिर वो बैटरी का यूज करेगा, लेकिन निकल जरूर जाएगा। अगर ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता तो भी सही है, यानी कि जो आने वाली फोटोन की एनर्जी है डैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू द वर्क फंक्शन। वो वैल्यू हमेशा या तो वर्क फंक्शन से बड़ी होनी चाहिए या वर्क फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस एनर्जी की वैल्यू वर्क फंक्शन से छोटी हो गई तो उस केस में कभी भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। समझ में आ गया मेरी बात, चलिए समझ में आ गया तब तो फिर अब सारा आसान है। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, न्यू नॉट, क्या बोलते हैं हम, न्यू नॉट। अब ध्यान से देखिए ये क्या होता है, द मिनिमम, अब ध्यान से देखिए जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन वो किसकी वजह से निकल रहा है, फोटोन की वजह से। जो फोटोन आ रहा है इसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, कुछ ना कुछ इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी, क्योंकि वेव फॉर्म में अगर ट्रैवल करता है तो उसकी वेवलेंथ भी होती है, फ्रीक्वेंसी भी होती है।
तो देखिए उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, हाँ ये जो वेवलेंथ आ रही है उसकी कम से कम वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जिसपे कि ये एक इलेक्ट्रॉन को जनरेट कर सकता है उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब बात को थोड़ा सा यहाँ डायग्राम से देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। ये जो लाइट फोटोन आ रहा है इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसकी मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो चाहिए उसी फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम जो फ्रीक्वेंसी कंपलसरी है कि नहीं इससे कम फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, इतना फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए ही चाहिए, उस वैल्यू को ही हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी था, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम जो एनर्जी चाहिए उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, उसी तरह से एक फोटो इलेक्ट्रॉन को जनरेट करने के लिए आने वाली लाइट की जो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है उसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब आप समझ गए होंगे कि ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं और आप खुद से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में कमेंट कर सकते हैं। किसके बारे में? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। हाँ वेरी गुड, हाँ हमें समझ में आ गया आपने क्या कहा। मिनिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू जनरेट एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर आपने ये कह दिया तो आपका गेम हो जाएगा। हाँ हो गया ना गेम। अभी तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने सब कुछ यही बताया, थ्रेशोल्ड एनर्जी यही बताया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यही बताया, लेकिन फिर वेवलेंथ में गलत क्यों हो गया? ध्यान से देखिए, आपको फॉर्मूला क्या पता, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सीखा था ना हमने थर्ड लेक्चर में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन लैम्डा। आप हमें यहाँ से बताइए न्यू और लैम्डा यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हाँ एकदम कन्फर्म, क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिनिमम आपने लिया था तो वेवलेंथ की वैल्यू आपको क्या लेना पड़ेगा, मैक्सिमम लेना पड़ेगा। यानी कि आपके डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज है। हाँ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है? इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, यस इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आने वाले फोटोन की मैक्सिमम वेवलेंथ उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाती है। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? अच्छा वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा नॉट से। बात समझ में आ गई? चलिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ द मेटल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। उसी तरह से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी देख लीजिए आप, जिसको हम लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो इट इज गिवन दैट द मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड, दिया ना मैक्सिमम। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, आप अगर कई सारे पेन यूज करते मल्टी कलर्स तो आप इसको अंडरलाइन करके अच्छे से देख लेंगे। द मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ द मेटल इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों होता है आपको पता ही है, अभी आपने देखा था न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, यानी कि सिंस न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा देयरफॉर ये मिनिमम लेंगे तो ये क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। कर सकते हैं? चलिए अब बात आ गई रिलेशन बनाने की। अब ध्यान से देखिए वर्क फंक्शन, फाई क्या हमारा वर्क फंक्शन। देखिए फाई किस पर डिपेंड करता है? यस फाई डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऐसा क्यों? फाई क्या है एक्चुअली, अगर आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की स्टेटमेंट याद है तो उन्होंने कहा था ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू कहा था। फिर हमने क्या कहा, ठीक है प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाइए तो एक कॉन्स्टेंट डिफाइन करेंगे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने प्लैंक्स कॉन्स्टेंट दिया, हमने यहाँ पे एच लगाया था और ये न्यू हो गया था। फिर हमें पता था न्यू की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन लैम्डा। तो हमने देखा था कि ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा फॉर्मूला मिले मुझे मिल गया था, क्योंकि न्यू की जगह पे सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। ये बात हुई थी पिछले सेशन में,
वही सेशन का यूज यहाँ करेंगे। अब हम वहाँ पर हम एनर्जी ऑफ फोटोन लिए थे, यहाँ हम क्या ले रहे हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी फाइव से प्रेजेंट करते हैं। उन्होंने कहा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये देखिए, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ क्या होगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर ये चीज होती है तो आप हमें बताइए, सिंबल हटाएंगे फिर से क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट, और कौन सा कांस्टेंट आएगा? प्लैंक्स कांस्टेंट। यानी कि एक नया फॉर्मूला आपको मिल गया, फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। फाई क्या हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन, एच क्या है वही प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू नॉट क्या है? इट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब दूसरी चीज आप इसको क्या कर सकते हैं, आपको एक चीज और पता है, न्यू की वैल्यू क्या होती है? सी अपॉन लेमडा। तो बताइए न्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी? वेरी गुड, सी अपॉन लेमडा नॉट। सी नॉट नहीं लिखते क्योंकि सी तो कांस्टेंट है ना, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट, वो कांस्टेंट है, उसमें नॉट नहीं लगाएंगे। देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगा? सी अपॉन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यानी कि हम इसको हटा के यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं? एच न्यू नॉट को क्या लिख सकते हैं? सी अपॉन लैम्डा नॉट लिख सकते हैं क्या? ठीक है, चलिए अगर लिख सकते हैं तो समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि आपको याद कैसे रखना है, आपको इतनी मेहनत नहीं करना है। आप अभी तक एक फॉर्मूला सीख रखे होंगे, E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, जहाँ पे E क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन। अब आप क्या करिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एच कॉन्स्टेंट है, सी कॉन्स्टेंट है, वैसे रहने दीजिए। जब हम थ्रेशोल्ड एनर्जी लेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी कौन सी लेंगे? थ्रेशोल्ड वाली। वेवलेंथ भी कौन से लेंगे? थ्रेशोल्ड वाली। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? लैम्डा नॉट से। या फिर एक फॉर्मूला और आपने सीख रखा था, E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इन टू फ्रीक्वेंसी। जब हम इसको वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी लिखेंगे तो एच कॉन्स्टेंट है, वैसे ही रहेगा, और फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी ले रहे हैं तो हमें कौन सा लेना होगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि न्यू नॉट लिखना पड़ेगा। बस यही चीज़ था, ये फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट या फाई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। हाँ, ये बहुत सिंपल सा होता है, इसमें कुछ है नहीं, आप देख के बस इसको बता सकते हैं। देखिए ये जो लाइट आ रही है फोटोन के फॉर्म में, इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, हमने उसको ई आई लिखा। ई आई क्यों? आई फॉर इंसिडेंट, यानी जो लाइट आ रही है इसलिए हमने यहाँ पे आई यूज किया, ई आई, यानी कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब बताइए एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट से क्या होगा? एक तो यहाँ जब स्ट्राइक करेगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी काम आएगी। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी काम आती है उसे हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन, और किसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? फाई से। एक तो यहाँ काम आ गया, दूसरा अगर एनर्जी एक्स्ट्रा है तो वो एनर्जी कहाँ काम आती है? इस इलेक्ट्रॉन को आगे लेके जाने में, यानी कि एनोड से कैथोड तक लेके जाने में, किस फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। यानी कि अगर कुछ बचा तो वो एनर्जी कहाँ काम में आता है? दैट इज यूज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिसको हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो बस यही है, आपसे ये इक्वेशन में क्या करना होता है कि जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, फोटोन है, वो कहाँ कहाँ यूज हुआ। एक काम तो ये किया कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, उसके लिए उसकी इतनी एनर्जी खत्म हो गई फाई। फिर उसका दूसरा काम क्या था? हाँ, इस इलेक्ट्रॉन को आगे लेके जाने का, क्योंकि वो मूव करेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो क्या होता है? के ई मैक्स। तो ये जो रिलेशन आपको दिख रहा है, इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स दिए गए हैं। द एनर्जी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस इज यूज अप इनटू टू पार्ट्स। हाँ, जो भी फोटोन की एनर्जी आएगी वो दो पार्ट में यूज होती है। पहला, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ वर्क फंक्शन। दूसरा, टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी।
तो देखिए पहला, टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ द मेटल इन द फॉर्म ऑफ वर्क फंक्शन फाई, एंड द सेकेंड वन इज टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी। सो आप लिख सकते हैं ई आई इज इक्वल टू फाई प्लस के ई मैक्स। उसी के साथ साथ ई आई को हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू। फाई को क्या लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट। और के ई को क्या लिख सकते हैं, के ई लिख लीजिए। फिर बताइए, अगर हमें यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कोई कह दे तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल सा है। आप क्या करिए, इस वाले टर्म्स को यहीं छोड़ दिए, इसको उठा के यहाँ लेके आइए, क्या बन जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो आपको क्योंकि के ई मैक्स पूछा जा रहा है तो आप ये रिलेशन बना सकते हैं। अब हमें बनाना है ग्राफ। हम आपको ग्राफ सिखाएं, उससे पहले आपको बहुत सारे और ग्राफ सिखाना पड़ेगा आपको, तो हमें लगता है आपको यहीं सिखा देना चाहिए। एक मिनट हम टाइम देख ले, फिर बताते हैं आपको क्या करना है। 32 मिनट्स, हाँ आई थिंक 15 मिनट लगेंगे ग्राफ सीखने में। तो पहले हम आपको ग्राफ सिखा देते हैं, फिर ये ग्राफ तो आप खुद से बना लेंगे, राइट। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला ग्राफ, ये ग्राफ आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना है। हाँ, इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं अभी कि ग्राफ के नेचर कैसा होता है, क्योंकि अगर अभी आप सीख लेंगे तो मैक्सिमम ग्राफ आपको रटना नहीं पड़ेगा, फिर आप ग्राफ खुद से बनाने लगेंगे। हाँ, एक दो ग्राफ हैं आपको ऐसे जो मिलेंगे रटने के लिए, बट बाकी सारे ग्राफ आप खुद से बना सकते हैं। देखिए, एक होता है वाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ, ये होता हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस। जब अगर आपको y इक्वल टू mx का ग्राफ बनाना है तो उस केस में आप ये जो ओरिजिन दिख रहा है यहां से एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, ये ग्राफ होता है y इक्वल टू mx का। ये जो गैप बनता है थीटा डिग्री का, इसे हम बोलते हैं m, यानी कि स्लोप, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आती है, tan थीटा की इक्वल आती है। हाँ, स्लोप, ये जो m आपको दिख रहा है ना, इस m को हम बोलते हैं स्लोप। और ये कैसे निकालते हैं हम, यस, m इज इक्वल टू tan थीटा से। ये सब tan जो हमने सीख रखा होगा, नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, अभी हम बता देते हैं, आप ध्यान रखेंगे, फिजिक्स में भी आगे आपके बहुत काम आएगा। एक चीज क्लियर है, यानी कि हमें जो याद रखना है वो ये चीज़ है बस। अगर y इज इक्वल टू mx का ग्राफ बनाना है तो मुझे सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। ये बन गया y इक्वल टू mx का ग्राफ। दूसरा ग्राफ किसका बनता है, अब y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ। हाँ, बस ध्यान से देखते रहिए, सब अपने आप याद हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं m की वैल्यू जीरो कर दूँ या x की वैल्यू जीरो कर दूँ, m को छोड़ दीजिए, x की वैल्यू जीरो कर दूँ तो m इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू c। जब भी आपको ऐसे ग्राफ मिल जाए जिसमें कि प्लस सी हो या प्लस कांस्टेंट हो, प्लस के भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो उसमें ग्राफ का नेचर वही रहेगा, लेकिन ग्राफ ओरिजिन से ना बनके ओरिजिन के ऊपर से बनेगा। बात मेरी समझ में आई आपको? हाँ, अगर आपको एम एक्स में प्लस सी मिल गया यानी कोई कांस्टेंट है, तो उस केस में ये ग्राफ आपको ओरिजिन से ना मिलके ओरिजिन के ऊपर मिलेगा। बहुत अच्छा, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट, खुद से गेस करिए, आप गेस तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ। देखिए, एम एक्स का मतलब तो नेचर समझ में आ गया आपको, लेकिन माइनस सी है। अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो कर दे तो ये पूरा टर्म तो जीरो हो जाएगा, आपको वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस सी। अच्छा, वाई एक्सिस पे माइनस कहाँ मिलता है, ऊपर या नीचे? हाँ, नीचे मिलता है ना, यानी कि इधर ही कहीं मिलेगा, और ये ग्राफ का नेचर वही रहेगा। बस ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। दोनों में अंतर देखिए, एम एक्स प्लस सी में ग्राफ ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट हुआ, जबकि एम एक्स माइनस सी में यही ग्राफ ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट हुआ। ये जो गैप आपको यहाँ तक बनता है, इस गैप को इंटरसेप्ट कहते हैं। अभी हमारे वो काम में नहीं है, जब मैथ्स पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स पढ़ाया जाएगा तो वहाँ सिखाया जाएगा, मैथ्स वाले बच्चों को तो बहुत काम का है, लेकिन हाँ फिजिक्स वाले बच्चों को भी ये चीज़ सिखाई जाएगी आगे, तो आप देखते रहिए, आपको समझना ज़रूरी है। क्लियर है, एम एक्स प्लस सी रहता तो ग्राफ ऊपर से बनता, माइनस सी है तो ग्राफ नीचे से बना।
ये तो रहा तब जब मेरा ये एम एक्स की वैल्यू पॉजिटिव था। देखिए तीनों ग्राफ में आप देखेंगे, ये हमारा वाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ, ये हमारा एम एक्स प्लस सी, और ये हमारा पीछे ये हमारा एम एक्स माइनस सी। इसमें देखेंगे तो m की वैल्यू पॉजिटिव ली गई है। अब जो आपको बताने जा रहे हैं वो क्या है, देखिएगा ग्राफ अगर बन गया y इक्वल टू माइनस एम एक्स तो क्या, तो देख लीजिए आपका ग्राफ देखिए, जब आपका ग्राफ एम एक्स था, m पॉजिटिव था, तो ग्राफ कहाँ बन रहा था, पॉजिटिव रीजन में यानी कि ऊपर। अब क्योंकि y इक्वल टू माइनस एम एक्स है तो ये ग्राफ कहाँ बनेगा, नीचे। नेचर अभी भी वही है, बस अब वो ग्राफ ऊपर ना जाके ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ, अभी आपको याद आ गया होगा, अगर प्लस सी है तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से या ओरिजिन के ऊपर से, ओरिजिन के ऊपर से, यानी कि यहां कहीं, आप यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, कहीं भी, ये जो गैप है ना वो सी के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए माइनस एम एक्स का मतलब क्या, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा होगा या नीचे की तरफ। हाँ, वेरी गुड, जब भी माइनस एम एक्स दिख गया यानी ग्राफ आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, ये बनेगा ग्राफ एम एक्स माइनस एम एक्स प्लस सी का। आइए एक और ट्राई करते हैं, नेक्स्ट वन इज y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी का ग्राफ, ये उम्मीद है आप खुद से बना लेंगे, चलिए ट्राई कर लीजिए एक बार। देखिए माइनस सी यानी कि ग्राफ ओरिजिन के ऊपर या नीचे, ओरिजिन के नीचे मान लेते हैं यहाँ कहीं। ठीक है, अब माइनस एम एक्स है तो ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, नीचे ही जाएगा, यानी कि ग्राफ सॉरी यहां से बना लीजिए, ऐसा बनेगा, ये हो गया ग्राफ माइनस एम एक्स माइनस सी का। कुछ कुछ आइडिया लगा आपको, चलिए एक बार फिर से आपको सारा बता देते हैं। y इक्वल टू एम एक्स, पहली बात अगर c नहीं है तो ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, m अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा, ऐसा, अगर m नेगेटिव है तो ग्राफ ऊपर ना जाके ग्राफ नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो देखिए y इक्वल टू एम एक्स ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव था तो ऊपर चला गया, अगर y इक्वल टू माइनस एम एक्स होता तो यही ग्राफ कहाँ चला जाता, ओरिजिन से ही नीचे चला जाता। ये देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो देखिए प्लस सी यानी कि ओरिजिन के ऊपर से, m पॉजिटिव है तो ग्राफ का नेचर ऊपर जा रहा है, अगर यही ग्राफ हमें ये बनाना होता y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी तो प्लस सी है तो ओरिजिन के ऊपर ही बनेगा, लेकिन माइनस एम है इसका मतलब ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा होगा, ग्राफ कहाँ जा रहा होगा, नीचे। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही नेक्स्ट देखिए y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, माइनस सी यानी कि ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा, ओरिजिन के नीचे से, अब ये प्लस एम था तो ग्राफ ऊपर जा रहा था, अगर यही हमें माइनस एम एक्स माइनस सी का ग्राफ बनाना होता तो बताइए ये ग्राफ अब ऊपर जाता या नीचे, नीचे जाता, ऐसा बनता। और कुछ बचा है? नहीं, ये सब तो एक्सप्लेन कर ही दिए हम, क्लियर हो गया। हाँ, अभी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, आप पहली बार ग्राफ सीख रहे हैं ना, तो आपको हो सकता है ये वीडियो दोबारा देखना पड़ जाए, जितना हमने आपको ग्राफ सिखाया है आपको दोबारा देखना पड़ जाए। अगर दोबारा देखना भी पड़े तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि आगे हम तो केमिस्ट्री में आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे, फिजिक्स में भी ये बार बार आएगा, तो आपको देखने आना चाहिए, नहीं तो ग्राफ रटते रटते आप पागल हो जाएंगे। चलिए कुछ और ग्राफ्स होते हैं, जैसे एक होता है y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी k क्या है, कांस्टेंट, वहाँ पे भी c कांस्टेंट है, यहाँ पे भी k कांस्टेंट है। अगर आपको ये ग्राफ बनाना हो तो इसका नेचर आप याद रखेंगे, ये होता है इसका नेचर, हाँ दिस इज द नेचर ऑफ y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और इस ग्राफ को हम बोलते हैं पैराबोला, क्या बोलते हैं, पैराबोला। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, हाँ मुझे पता था आपके माइंड में यही आएगा, वाई इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा, तो बहुत सिंपल है, देखिए जब पॉजिटिव था तो ग्राफ ऊपर जा रहा था,
हाँ नेगेटिव होगा तो ग्राफ कहाँ चला जाएगा, नीचे। लेकिन कैसे, आइए देखते हैं। ये बन जाएगा ग्राफ। कैसे पता चलेगा, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर अगर मिरर रख दे आप तो ये ग्राफ कैसा दिखेगा, उल्टा। तो इसी ग्राफ को बस उल्टा कर दिए, के एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर था, यहाँ इसका उल्टा करेंगे तो देखिए ग्राफ ऐसा बनेगा, बनेगा ना। चलिए एक तो ये बन गया, एक और ग्राफ आपको सीखना है वो भी देख लीजिए, y इज इक्वल टू के अपॉन एक्स। इसका नेचर होता है ये, इस ग्राफ को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस ग्राफ इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब यही अगर माइनस के बाई एक्स होता तो वो ग्राफ इसी के नीचे बन जाएगा, यानी कि वो ग्राफ ये बनेगा। ये कब बनेगा, जब y इज इक्वल टू माइनस के बाई एक्स का ग्राफ बनाना होता। कर सकते हैं। चलिए एक और ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल का, खैर अभी आपके काम का नहीं है, अभी जो आपको सीखना था वो इतना ही है, बाकी जब काम का आता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। चलिए तो ये सारे ग्राफ के नेचर आप याद रखेंगे, एक दो बार आप देखेंगे आपको अपने आप याद हो जाएगा। अभी देखिए मुझे एक ग्राफ बनाना है, किसमें, के ई मैक्स और फ्रीक्वेंसी में, राइट। तो चलिए मुझे ग्राफ बनाना है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में, राइट। ग्राफ बनाने से पहले आपको एक इक्वेशन पता है, के ई मैक्स क्या होता है, दैट इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब ध्यान से देखिए, किसी भी फिक्स मेटल के लिए उसकी न्यू नॉट की वैल्यू, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फिक्स होती है अलग अलग। मान लीजिए एक सोडियम का मेटल आपने यहाँ लिया, दूसरा सोडियम का मेटल यहाँ लिया, तीसरा सोडियम मेटल का यहाँ लिया, तो तीनों की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम आएगी कि अलग अलग। हाँ सेम आएगी, क्योंकि मेटल सेम है तो इनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी सेम आएगी। यानी कि आप हम क्या कह सकते हैं, एच कॉन्स्टेंट है तो न्यू नॉट भी क्या है, अगर सेम मेटल है तो कॉन्स्टेंट है, यानी कि ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट को क्या हम सी से रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ, माइनस एच न्यू को हम क्या लिख लें, एम एक्स। एच को हमने क्या लिख लिया, एम, और न्यू को हमने क्या लिख लिया, एक्स। चलिए वो चल नहीं रहा। अच्छा देखिए, काइनेटिक एनर्जी हमने कहाँ रिप्रेजेंट किया, वाई एक्सिस पर, तो काइनेटिक एनर्जी को मैंने क्या लिख लिया, वाई। एच न्यू को हमने क्या लिख लिया, एम। देखिए न्यू कहाँ है हमारा, एक्स एक्सिस पे, तो हम यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस। ये सब कॉन्स्टेंट है तो उसको क्या लिख सकते हैं, हम सी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा ये ग्राफ कैसा बनेगा, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। एम एम पॉजिटिव, यानी ग्राफ का नेचर ऊपर जाता हुआ रहेगा, एक बात। दूसरी, माइनस सी है तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ओरिजिन के नीचे से, ओरिजिन के ऊपर से। हाँ वेरी गुड, कहाँ स्टार्ट होगा, ओरिजिन के नीचे से, हमने मान लिया कि मेरा ग्राफ यहाँ कहीं से स्टार्ट होगा, राइट। नेचर देखिए क्या है, पॉजिटिव एम है, यानी ग्राफ ऊपर जाता हुआ मिलेगा आपको, बनेगा आपका ग्राफ, ये ग्राफ रेडी हो गया। यहाँ पर एम होगा किसके इक्वल, टैन थीटा के इक्वल, सो हम स्लोप बोलते हैं। एक चीज़ दूसरी, अगर आपसे कोई पूछे कि ये गैप कितना है, तो ये गैप कितना होता है, सी के इक्वल। सी कितना है आपका, एच न्यू नॉट, तो आप यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं माइनस एच न्यू नॉट। आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू किसके है, एच न्यू नॉट, नेगेटिव एक्सिस में है तो माइनस लगा के लिख लेंगे, इसी की जगह पहन देंगे सी। तो बस हो गया आपका ग्राफ रेडी, आप एक बार ग्राफ चाहें तो चेक कर लें, देख लीजिए। और ये जो स्लोप है, एच यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से कंपेरिजन करेंगे तो आपने लिखा ना एम एक्स, तो न्यू तो एक्स एक्सिस पे था, एम किसके जगह पे आया आपका, एच के जगह पे, यानी कि एम के जगह पे आप चाहें तो एच भी लिख सकते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, तो ये बस ग्राफ बनाने आना चाहिए। ग्राफ बनाना सीख गए क्या, इसमें कुछ ऐसा था जो आपको रटना पड़ा, नहीं।
आप चीज़ों को आदत डालिए, थोड़ा सा स्लो रहेंगे अभी, लेकिन जहाँ 3-4 बार ग्राफ बनाएंगे आपको आदत लग जाएगी, फिर आप तो फटाफट ग्राफ खुद से बनाना सीख जाएंगे, कर सकते हैं ना। चलिए, जिसको भी ग्राफ में थोड़ी बहुत दिक्कत हो वो वापस से वीडियो को रिपीट कर लेगा। आइए कुछ नोट पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला, फॉर ईच इंसिडेंट फोटोन ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड। हाँ, एक फोटोन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को भी ना निकाल पाए, अगर उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन से कम है तो एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा है तो 4-5 इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से जनरेट करेगा, ऐसा नहीं है। एक फोटोन एक ही बार मेटल से स्ट्राइक करेगा और वहाँ से एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। दूसरा, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ ए फोटोन एंड इमिशन ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन। कई बार आप अपने फ़ोन में देखते होंगे, जो थोड़ा सा पुराने फ़ोन होते हैं उसमें क्या होता है, जब आप यहाँ पे एक बार टैप करते हैं किसी भी एप्लीकेशन पे तो कुछ सेकेंड के बाद वो खुलता है। हाँ, जिसको आप क्या बोलते हैं, फ़ोन हैंग कर रहा है। हाँ, उसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं टाइम लैग, यानी कि आपने एक्शन दिया वो काम हुआ भी लेकिन काम थोड़ा सा लेट हुआ, उसको बोलते हैं टाइम लैग। लेकिन ये जब मेटल पे कोई फोटोन आके टकराया, जैसे वो यहाँ पर टकराया गया तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ये नहीं कि यहाँ आकर टकराएगा तो कुछ देर के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ऐसा नहीं। जैसे यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर, यानी कि इसके बीच इसका टकराना और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना इनके बीच कोई टाइम गैप नहीं होता। जैसे अगर आपके पास स्टैंडर्ड बढ़िया फ़ोन है तो आप जैसे किसी भी चीज़ पर टैप करते हो तुरंत खुल जाता है, जबकि बहुत सारे फ़ोन ऐसे भी हैं इस पर क्लिक अभी करो तो कुछ सेकंड के बाद खुलता है। जब वो बाद में खुल देगा तो उनके बीच कोई ना कोई टाइम लैग है, जबकि अगर आपने टैप किया और तुरंत खुल गया तो उसके बीच कोई टाइम लैग नहीं है। यही चीज़ यहाँ लिखी गई है कि जैसे फोटोन आके स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकल जाता है, यानी कि इनके बीच कोई टाइम लैग नहीं होता। सो देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ ए फोटोन एंड द इमिशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखिए, नॉट ऑल इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव के इक्वल टू के मैक्स। हाँ, बहुत सिंपल है, यहाँ से स्ट्राइक किए एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया, इस इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ एनर्जी मिली होगी, वो बाहर जा रहा है। क्या जरूरी है कि हर एक इलेक्ट्रॉन को एक इक्वल अमाउंट में ही एनर्जी मिली होगी? नहीं, इसको कितनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो किस पर डिपेंड करता है, आने वाले फोटोन के एनर्जी पर। अगर इसकी एनर्जी थोड़ी कम हो गई तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में तो जो एनर्जी चाहिए वो तो फिक्स है, उतना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स थी तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी। यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, जरूरी नहीं है कि वो काइनेटिक एनर्जी मैक्स के इक्वल हो, यानी वो अपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो। हाँ, हो सकता है, बहुत सारे केसेस में होता भी है, लेकिन हर बार होगा ये कहना गलत है। जैसे कि बहुत सारे अच्छे बच्चे होते हैं, उनको पता है कि मैं फर्स्ट आऊँगा, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि सर हमेशा मैं ही फर्स्ट आऊँगा, क्योंकि चीज़ें कभी भी बदल सकती हैं, कुछ ऐसा ही है। देखिए नेक्स्ट आगे दिया है, सम फोटो इलेक्ट्रॉन्स मे हैव काइनेटिक एनर्जी लेस देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो हो सकता है कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी हो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कम हो, और वो तभी होगा जब आने वाले फोटोन की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। दूसरी चीज़, ऐसा होता है तभी तो हम वहाँ बैटरी लगा के रखे थे कि अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कम है तो बैटरी उसको पुश करके कैथोड तक लेके जाएगा। चलिए होमवर्क। हाँ, अभी तो आपके माइंड में आ गया होगा ना, सर अभी आपने क्वेश्चन तो कराया ही नहीं, बस होमवर्क दे दिए आप। कोई नहीं, क्वेश्चन हम इसके बाद करा देंगे, यहाँ स्पेस खाली था इसलिए होमवर्क यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, चले आइए, क्वेश्चन तो हम कराएंगे ही। आ गया ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन मतलब फाई इज गिवन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
राइट, फाइंड इट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी कि लैम्डा निकालना है या लैम्डा नॉट। हाँ वेरी गुड, लैम्डा नॉट निकालना है। और अलोंग विद द मिनिमम सॉरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड विद द रेडिएशन ऑफ 400 नैनोमीटर, राइट, यानी कि हमें वेवलेंथ भी दिया है दैट इज 400 नैनोमीटर, हमसे के ई मैक्स भी पूछा गया है, और कुछ दिया है नहीं। तो बस देखिए, क्योंकि आपको वर्क फंक्शन दिया है तो बताइए वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी आप एनर्जी का फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है एच न्यू, थ्रेशोल्ड एनर्जी लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। चलिए देखिए फाई की वैल्यू कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। आप एक काम करिए, ठीक है, एच न्यू नॉट को क्या बना लीजिए, एच सी लैम्डा नॉट। अब देखिए हमें अच्छे से पता है एच सी की दो वैल्यू होती हैं, एक होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब हम वेवलेंथ को किस में लेते हैं, नैनोमीटर में, दूसरी भी होती है वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब हम वेवलेंथ को किस में लेते हैं, एंगस्ट्रॉम में। अब कोई भी एक यूज कर लीजिए, हम ये यूज कर लेते हैं, हाँ ठीक है, तो मैं एच सी के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1240 अपॉन लैम्डा नॉट, और अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या फिर इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 1 2 और इसको डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 620। फिर आप इसको यहाँ से सॉल्व कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो लैम्डा नॉट की वैल्यू आपको मिल जाएगी 620। बताइए यूनिट क्या होगी, मीटर, नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम। हाँ वेरी गुड, यूनिट विल बी नैनोमीटर, क्यों, क्योंकि आपने एच सी की वैल्यू किस में ली थी, नैनोमीटर में लिया था। तो आ गया आपका लैम्डा नॉट की वैल्यू 620 नैनोमीटर। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आपको क्या करना है, के ई मैक्स निकालना है। आपको अच्छे से पता है ई की वैल्यू, ई आई की वैल्यू क्या होती है, फाई प्लस के ई मैक्स के इक्वल होती है, राइट। तो देखिए ई आई कैसे निकालेंगे, निकालिए ई आई क्या होगा, एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी की वैल्यू लैम्डा कितना दिया आपको, नैनोमीटर में दिया ना, तो 1240 और लैम्डा की वैल्यू 400, जीरो से जीरो कैंसिल करिए, इसको डिवाइड करिए, देखिए 3.1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको एनर्जी मिल गई 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इसकी वैल्यू यहाँ रख लेंगे 3.1। फाई की वैल्यू आपको पहले से पता है 2 प्लस के ई मैक्स, क्योंकि मुझे के ई मैक्स चाहिए तो इस नंबर को उठा के हम इधर ले आएंगे, इधर प्लस था इधर माइनस हो जाएगा, और के ई मैक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपसे जूल में पूछेगा तो क्या करना होगा, इस नंबर में इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना होगा और उसके बाद सॉल्व कर देंगे। फिलहाल हमें यहीं छोड़ देना है, हमारा आंसर यहीं आ गया होगा। आंसर मैच कर लीजिए, देखिए के ई मैक्स की वैल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लैम्डा नॉट की वैल्यू 620 नैनोमीटर। समझ में आ गया।